देखिए मैं बात कर रहा हूं भाषा शैली की, एक बार आपको सुनाता हूं एक और बयान, जरा ध्यान से देखिएगा, और आपके बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनका बयान है, आप देखते ही समझ जाएंगे, और जरा स्टूडियो में वॉल्यूम लाउड करेगा, सुनाइए जरा एक बार। The other day you said I am not apologized because I am not Savarkar. Do you know the contribution of people like Savarkar ji? And you're getting, as I said, getting an ass to run a horse's race. That's my comment. अब ये बहुत चिंताजनक है। अब इन्होंने जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया आपने सुना, इन्होंने किस तरीके से कहा कि घोड़ों की रेस में गधे दौड़ रहे हैं, क्या ये अपमान नहीं है? क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? देखिए, अगर कोई बात किसी संदर्भ में कही गई, यहाँ तक बयान की बात है, तो उस बयान को मैंने अभी आपके सामने देखा, परंतु मैं ये कहूँगा यह बात किसी को आपत्तिजनक लग सकती है, मैं मानता हूँ, मगर वो लोग कहेंगे जो कहते थे बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, नहीं, तो उसका जवाब कैसे दिया? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल वीर सावरकर के साथ कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती, जमीन आसमान का अंतर, क्यों नहीं हो सकती वो बता रहा हूं, और कुछ हद तक जो उन्होंने बात कही शब्द अनुचित होंगे, परंतु अगर आप देखें तो तुलना के अंदर एक बात है कि जमीन आसमान का अंतर कैसे। वीर सावरकर भारत के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी है जिनको दो जन्मों का कारावास हुआ, और तब हुआ 1910, और जाके चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वेडनबर्न था, आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की सदारत में बैठे हुए थे और उस आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं जिसको ब्रिटिश सरकार ने दो दो जन्मों के कारावास की सजा दी। और दूसरा मैं करना चाहता हूं, कभी कभी जानते क्या होता है, आदमी अपनी वंश परंपरा नहीं समझता है। ये बताइए, सावरकर जी के लिए इंदिरा गांधी जी ने डाक टिकट जारी किया था, अब इंदिरा जी सही या राहुल जी सही, मगर अफसोस इंदिरा गांधी से लेकर असली गांधी से राहुल गांधी तक आते आते बुद्धि ऐसी बदल गई, मतलब कुछ कुछ अब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता हूं, ऐसी बुद्धि हो गई कि एक लाइन में कहूं, बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, सारी लुटिया डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। जयंता जी, सुधांशु जी, राहुल गांधी अगर भारत के राजनीति में प्रभाव नहीं है, भाजपा 303 का पार्टी है, मोदी जी का और अमित शाह जी का जो नेतृत्व पे भाजपा जाए जिस जगह है, अगर वहाँ कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है, तो आप राहुल गांधी के लेके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, और उसके कारण प्रतिपक्ष जो यूनाइटेड नहीं थे उसको आप कर्नाटक चुनाव के पहले यूनाइटेड कर चुके हैं, तो ये क्या स्ट्रेटेजिकली इसके क्या कारण क्या है? देखिए, आप फायदा क्या है, नुकसान क्या है? आपने जो प्रश्न पूछा, पहली बात टेक्निकल मैंने जवाब दे दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन इज टेक्निकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग, यानी एक निर्णय होने के बाद वह तकनीकी दृष्टि से वो दूसरा स्टेप था इसलिए हुआ। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी का प्रभाव नहीं है, नहीं, राहुल गांधी जी का बहुत प्रभाव है और मोदी जी का भी बहुत प्रभाव है, मोदी जी का सकारात्मक प्रभाव है, उनका नकारात्मक प्रभाव है। मोदी जी आए और सुनिए, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटें थी 2004-09 तक, 73, उसके बाद सब मिलके एक हो गए 2019 में, तब हम 63, और राहुल गांधी जी आए उसके बाद से अब एक सीट रह गई, यानी आज उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हो गई जी कांग्रेस के लिए कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम उनकी बातों का जवाब क्यों दे रहे हैं, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं, सत्ताधारी दल पर सारे विपक्षी दल अटैक कर सकते हैं, हम सारे दलों का उत्तर देंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है उसको मुख्य उत्तर देंगे, यद्यपि टेक्निकली लोकसभा में नहीं पर राज्यसभा में तो टेक्निकली मुख्य विपक्षी दल, और यह यथार्थ है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, या तो कांग्रेस कह दे कि हम मुख्य विपक्षी दल नहीं है तो हम मुख्य उत्तर उनको देना बंद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सब साथ आ गए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, कोई मुद्दा इन सारे दलों को एक नहीं कर पाया, न किसान मुद्दा, न इनके हिसाब से महंगाई का मुद्दा, ना बेरोजगारी का मुद्दा, क्या कर पाया, ईडी ने एक कर दिया। कारण जानते क्या है, अरे कोई साथ में नहीं आया है जी, सब अपने अपने दर्द से बेहाल हैं, वो गीत नहीं सुना है, कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। और इतना नहीं, उनके आगे की लाइन क्या है, आगे की हालत उनकी ये है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और जब केस निकलते हैं बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जयशंकर जी, आपका सवाल जी। भाई निशांत, देखिए सुधांशु जी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ
प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये मैं मानता हूँ। पढ़े लिखे हैं, तार्किक बातें करते हैं। अभी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं थोड़ा सा वक्त ज़रूर लूँगा कि पॉइंट वाइज मैं भी इनसे थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे इन्होंने कहा कि अडानी का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हुआ, अडानी का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हुआ। उसमें क्या राहुल गांधी अडानी के साथ गए थे इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जब अडानी गए थे तो नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे, स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी साथ में थी। जब माइंस की लीज दी गई थी उस समय इन्होंने मिलकर वहाँ समझौता कराया था। एक दूसरा, ये अगर वो शॉर्ट सेलिंग की बात हिंडनबर्ग ने की कि उसने शेयर खरीद लिया था, शॉर्ट सेलिंग में शेयर बेच दिए, तो विपक्ष तो यही मांग कर रहा है कि जेपीसी जांच करा लो, जेपीसी जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। अनेक बार प्रधानमंत्रियों के साथ जब बिजनेस डेलीगेशन जाते हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लेकिन वहीं पे बैठ के स्टेट बैंक का चेयरमैन अब लोन सैंक्शन नहीं करता है। नहीं नहीं, वहां पे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय था, वहां पे अलग। दूसरी, भागिए मत। अरे भाई बात तो सुनिए मान्यवर, घुमाइए मत। जो बात कहना चाह रहे हैं घुमाइए मत। देखिए, नहीं नहीं, घुमाने की कोई बात नहीं है, घुमाने की बात तो जानते क्या है। ठीक है ठीक है, घुमाने की बात आपने कितनी सहजता से कह दिया। राहुल गांधी कहे थे क्या छत्तीसगढ़ और वहां पर? जी हाँ, राहुल गांधी कहे थे। मैं चुनौती से कह रहा हूं, उस समय कर्नाटक में थी राहुल गांधी जी की यात्रा, जब अशोक गहलोत जी के साथ अडानी की फोटो आई और उनसे पूछा गया तो जिंदगी में पहली बार राहुल गांधी ने अडानी जी बोला है और कहा कि अगर हमारी स्टेट में 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो हम स्वागत कर रहे हैं। तो कहे भैया उनकी अनुमति से हुआ है, अब तो कह दो कि हटा दो। और अब टेक्निकल जवाब देता हूं। इन्होंने कहा जेपीसी गठित कर दीजिए। अब चूंकि आपने कहा जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत के किसी भी संस्थान को बुला सकती है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो सेबी एलआईसी वगैरह ने तो कोई ऐसा इशू उठाया नहीं, उठाया है हिंडनबर्ग ने। हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। आप मुझे भारत के संसद का या कानून का वो क्लॉज बता दीजिए जिसमें भारत की संसद की कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही हो, कर रही होती तो हम उसको बुला लेते, उसको बुला सकती है और वो आके अपियर हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। सर मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जब बोफोर्स के लिए जेपीसी बनी थी तो बकायदे विदेश गई थी, वो जेपीसी गई थी वहां पे जांच वहां से जाके स्विडिश कंपनियों के साथ बात करके जांच की। एक बात वो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल जो है सर, मैं आपके दूसरे बोफोर्स पे क्लैरिफाई करूं, आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा सर। बोफोर्स की जांच ऐसा नहीं कि ऐसे हुई थी, राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक एजेंसी हायर की थी फेयरफैक्स, जिसने शेयर मार्केट में हुए घोटालों की जांच की थी, उसमें आई थी। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जांच से आई थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अब सर मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। मैं चाहूंगा एक बार जरा हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सर एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट नहीं मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, मुझे एक रैपिड फायर राउंड करना है। पहले जोरदार तालियां हो जाए। सुधांशु जी, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल या पर्सनल दे सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पहले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं है? पहला सवाल दिखाइए जरा यहां पर फोटो के साथ। पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल, बेहतर गांधी कौन, राहुल गांधी या वरुण गांधी? तालियां होनी चाहिए पहले इस पर। सुधांशु जी, बेहतर वो होता है जो राष्ट्रवाद के साथ होता है। इन दोनों में से कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे आप समझा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं सर। मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर। नहीं नहीं अब मेरा दूसरा सवाल, बीजेपी की दोस्त कौन है, ममता बनर्जी या मायावती? बताऊं, ये दो बुआ हैं, एक लखनऊ वाली एक कलकत्ता वाली, दोनों भतीजों से परेशान हैं। क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है? सर दोनों भतीजों से परेशान हैं, हम क्या बता सकते हैं। प्ले ऑन करिए सर। बेहतर राजनेता कौन, ओवैसी या केजरीवाल? देखिए दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है सर। एक जवाब दीजिए सर, एक लाइन। जो उधर वाले हैं, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट कौन,
हिंदू हृदय सम्राट कौन, लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी? हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक एक चुनना है आपको प्लीज, एक एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया, एक बताइए मुझे। मान्यवर ऐसा है, वो उनके पिता तुल्य हैं, जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। आखिरी सवाल, देश का आदर्श विचार क्या है, महात्मा गांधी जी या नाथूराम गोडसे? एक सुनना है सर। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की और जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है।